टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने बुधवार देर रात करीब 11 बजे अंतिम सांस ली। वे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल की इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू में भर्ती थे और उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। निधन की जानकारी उद्योगपति हर्ष गोयनका ने सबसे पहले दी। उन्होंने रात 11:24 पर सोशल मीडिया पर लिखा, घड़ी की टिक टिक बंद हो गई, टाइटन नहीं रहे। रतन टाटा ईमानदारी, नैतिक नेतृत्व और परोपकार के प्रतीक थे। रात करीब 2 बजे उनका पार्थिव शरीर अस्पताल से उनके घर ले जाया गया। टाटा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर गुरुवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक साउथ मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के हॉल में रखा जाएगा। यहां लोग उनका अंतिम दर्शन कर सकेंगे। पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा को 7 अक्टूबर को ही आईसीयू में भर्ती किए जाने की खबर मिली थी। हालांकि उन्होंने इसका खंडन करते हुए कहा था कि वो ठीक है, रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। फिलहाल हम तो उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं।